ओ ठेकुआ पीठा। सो गाइस आप लोग को पता है भाई बिहार में भाई ठेकुआ पीठा जो भाई बहुत ही फेमस है ना। हम नहीं खेलते अंकल ये भाई साहब देख दिया देखो भाई हाथी है, हाथी को दिया बना है एक दो तीन हाथ दिखाना अंकल आपका हाथ देखो भाई साहब कितना टाइट है जो इसको देखो पता चलेगा नहीं 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 लेंगे वैसे तो बस पूछने आया बस। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग कैसे आप लोग आशा करते हो सब बढ़िया होंगे एंड चेक दिस आउट गाइस आज का ब्लॉग आपको भाई शुरुआत कर रहे हैं भाई रूम से देख सकते फिलहाल आपको भाई रूम पे और ना गाइस काफी दिनों से मैं ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आपको भाई का पता है सभी को कि भाई तबीयत फिलहाल खराब चल रहा है। तो ना गाइस देख सकते ड्यूटी से आया और आपको भाई सबसे पहले काम किया भाई चावल बनाया और दाल और ना गाइस आप लोगों में एक ब्यूटीफुल नजारा दिखना चाहता हूँ ठीक है ना। मिस हमारे रूम से जो क्या मस्त वाला व्यू आता है ना भाई सच्ची बताओ ना भाई ऐसे मस्त प्लेस में हमारे रूम है ना भाई क्या ही बताओ। सो भाई चेक करो भाई ये देखो भाई सफ़ेद सफ़ेद से पहाड़ दिख रहा है ना ये आपको व्हाइट कलर का जो पहाड़ दिख रहा है ये आपका माउंटेन ये आपका कंचनजंगा माउंटेन है देखो भाई क्या मस्त दिख रहा है ना गाइस। बहुत ही जल्दी आपका भाई उस पहाड़ पे तो नहीं जाएंगे बट उसके नज़दीक जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे उस पहाड़ को। सो गाइस फाइनली आपका भाई देख सकते हैं फिलहाल रूम से निकल चुके और भाई ड्रेस व्रेस भी लगा लिया भाई आउटफिट देखो भाई व्हाइट टी शर्ट एंड ब्लैक ट्रैक ठीक है ना। और फिलहाल जो आज का मौसम का बात बताऊँ तो भाई मस्त वाला धूप दे रहा है और मस्त वाला हवा चल रहा है। चेक दिस आउट गाइस यार क्या नाम था अब्दुल भाई काफी दिनों के बाद भाई लोगों को मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कैसे है बता देना। बहुत अच्छा ना जोर से बोलो थोड़ा बहुत अच्छा साहब बाल बाल काट लिया भाई ठीक है ना होगा होगा शायद भाई होगा सियोर है बाल काट लिया और भाई दाढ़ी देखो दाढ़ी तो भाई शेविंग करना भूल चुका है ठीक है ना। और ये भाई शायद भाई घर आ गए है देखो इधर शायद भाई घर है शायद है कहाँ गया ठीक है मैं फ़ोन करता हूँ। सो घर पे फिलहाल साहिद भाई है नहीं ठीक है ना तो सबसे पहले भी इसको कॉल करते हैं ठीक है ना वेट एक मिनट। सो ना गाइस फाइनली हियर इज साहिद साहिद भाई देखना व्हाट्सएप में तो जोर से बोला इसका आवाज़ हमें सुन रहे हैं गाइस इसका हालत देखो मैं बताया ना कि इसका हालत क्या करके रखा है देखो भाई पूरा सिस्टम हैंग नहीं पूरा सिस्टम खराब करके रखा है ठीक है ना। तो फिलहाल काफ़ी दिनों के बाद साहिद भाई से मिल रहा है और हम लोग भाई दोनों एक साथ ब्लॉग कर रहे हैं तो काफ़ी दिनों के बाद लगभग एक महीना हो गया ना हम लोग एक महीना हो गया भाई एक साथ क्योंकि भाई साहिद भाई बिजी हो गया और आपका भाई भी थोड़ा सुस्ती हो। सो ना गाइस फिलहाल अभी हम लोग का प्लानिंग जो चेंज हो चुका है ठीक है ना देख सकते हैं फिलहाल का भाई ले लिया हेलमेट और भाई साहिद भाई भी रेडी तो फिलहाल अभी हम जाएंगे बाइक में कहाँ पे जाएंगे सारा कुछ आप लोग इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा ठीक है ना। और ये ब्लॉग जो है भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये टूटा हुआ है यार इसको भी लगाना होगा स्कूटी वाला मुझे ठोका था यहाँ पे देखो ये हालत कर दिया था ये पूरा बैंड हो गया था। तो ना गाइस फाइनली भाई पहुंच चुके भाई सिलीगुड़ी और ये देख सकते हैं अभी फिलहाल मैं हूँ थाना मोड़ पे ठीक है ना। और भाई अभी हम जा रहे हैं भाई माबिस्तान अब किस कारण से जा रहा हूँ माबिस्तान सारा कुछ इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा ठीक है ना। और चेक करो भाई यहाँ पे साहिद भाई भी है ठीक है और ना गाइस ये देखो भाई थाना मोड़ का नज़ारा ठीक है ना छोटा सा है बट सही है। तो ना गाइस आप सभी को पता है भाई फिलहाल तो भाई चल रहा है भाई इंडिया में फेस्टिवल का त्यौहार ठीक है ना तो मिस फेस्टिवल का धूमधमाका त्यौहार चल रहा है ठीक है। और उसी मौका पे भाई आज आपको भाई आया है भाई कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए जैसे कि आप सभी को पता है भाई अभी फिलहाल चल रहा है भाई छठ पूजा की तैयारी तो भाई आप लोगों को दिखाऊंगा भाई छठ पूजा का मार्केट ठीक है। सोना गाइस फिलहाल भाई सिलीगुड़ी पे भाई छठ पूजा की जो तैयारी है भाई बहुत धूमधाम से हो रहा है देख सकते हैं भाई साइडों पर दुकान वगैरह का सब मस्त लगा हुआ है भीड़ देखो भाई यहाँ पे देखो नारियल वगैरह सब सारा कुछ भाई सेल हो रहा है ठीक है ना। तो हम लोग को जाना है भाई उस पार में और आप लोग एक्सप्लोर करेंगे बट जाने के लिए भाई हम लोग को भाई साहस ही नहीं हो रहा भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक है भाई साइड साइड लग जाएगा साइड। सो ना गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भाई ये देखो भाई छठ पूजा की तैयारी के लिए देखो भाई फूल वगैरह और साइड में देखो भाई दीदी लोग भाई मस्त से भाई यहाँ पे टुकड़ी बेच रहे कैसे लगे दीदी साहब कैसे करके 220 रुपया एक का भाई साहब इसका प्राइस देखो भाई 220 रुपये का है बांस का बनाता है हाथ से। तो फिलहाल अभी छठ पूजा चल रहा है ना छठ पूजा कब से है भैया रविवार से है ना उसी के लिए सेल कर रहा है ना ये सब हाँ सही है गुड गुड गुड। तो ना गाइस देख सकते हैं फिलहाल जो छठ क्या काका क्या है ये ना हम नहीं खेलते हैं अंकल ये कितना है इसका दाम दो है 60 रुपया नहीं हम लोग नहीं खेलते नहीं खेलते नहीं 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 खेलते नहीं खेलेंगे अंकल हम थोड़ा मजा चल जाएगा ऐसे 20 रुपये दे दो ना ऐसे 20 रुपये हम दे रहे ऐसे ले लीजिए ना 20 रुपये
ठीक है कोई बात नहीं भाई साहब। सिलीगुड़ी में हम लोग को अलग अलग किस्म का लोग देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिलहाल जो एक अंकल मिला था भाई, टिकट सेल कर रहा था, बट हम लोग तो भाई जुआ हुआ खेलते नहीं, ठीक है ना, लॉटरी टिकट था। तो भाई ने बताया कुछ मदद हो जाएगा, तो भाई शायद भाई ने उसको 20 रुपीज दे के भाई हेल्प किया, तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। और फिलहाल देख सकते यहाँ पे भाई छठ पूजा की पूरा तैयारी है। अभी फिलहाल जो छठ पूजा है भाई संडे को है, संडे को छठ पूजा है ना। और भाई लोग देखो पूरा मस्त भाई टुकड़ी उकड़ी भाई यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई साहब सोच ही देख सकते भाई संडे को जो भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रेजी होने वाला है, ठीक है ना। और गमछा वगैरह सेल कर रहे हैं। तो भाई ये सिलीगुड़ी का मोहल्ला देखो भाई क्या मस्त लग रहा है ना। और जो इसका प्राइसेस है ना 220 रुपया, थोड़ा हाई लग रहा है, बट हैंडमेड है ना भाई। तो साइड देना, पुलिस गाड़ी आ रहा है, टक्कर मार देगा। और ना गाइस, साइड भाई एक हेलमेट पहनने का। और ना गाइस यहाँ देख सकते ये आपका छठ पूजा का क्या बोलते हैं इसको, क्या कुछ क्या बोलते हैं, सामग्री बोल सकते हैं इसको ना, छठ पूजा के लिए सामग्री। ये देखो भाई हैंडमेड है, सारा हैंडमेड है। देखो भाई क्या खूबसूरत से बनाया है ना। ये देखो ये हाथी है, वो हाथी है, हाथी का ऊपर में कलसी, मस्त है डिजाइन भाई। और यहाँ पे देखो बहन ने बनाया, किसने बनाया, आपने बनाया क्या इसको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, शर्मा रही बहन, चलो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देखो क्या मस्त लग रहा है ना, सभी तो हाथ हैंड आर्टिस्ट है सर, सारा छठ पूजा का है ना। छठ पूजा कब से है जी? कल से शुरू है ना। तो भाई आप लोग तो मस्त कैसे दे रहे सब? नहीं 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 लेंगे, वैसे तो बस पूछने आया बस, मतलब सब ना ठीक है। वैसे तो आप लोग को यहाँ जो सब दुकान से बैठाते हैं हर रोज बैठाते हैं ना, यहाँ पे रेगुलर का दुकान है ना, मैं तो देखता हूँ। सुनो गाइस, ये जो आपको थाना मोड़ है, ठीक है ना, थाना मोड़ से आप आएंगे, थाना मोड़ से आएंगे तो आप लोग को अपोजिट साइड में ये ब्रिज है, ये फ्लाईओवर ब्रिज के साइड में आपको देखने को मिलेगा ये शॉप। तो यहाँ पे भाई ये रेगुलर शॉप है, ठीक है ना। आप लोग को अगर कलसी वगैरह जो भी पूजा का सामग्री आप लोग को चाहिए तो ठीक है ना, यहाँ से आप खरीद सकते हैं। और जो दीदी देख सकते हैं कितना खूबसूरत से बनाया है, वहाँ पे बहन जी भी पर चेहरा ढक रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आएंगे नहीं आप लोग पे। और देखो कलरफुल है, ये सारा कुछ हैंडमेड है, इसको देखो भाई पैसे ये खुद ही बनाया पेंटिंग करके ना। और वो तो हाथी वाला था, सेम ही है देखो। और ये चूल्हा है दीदी, चूल्हा है ना, प्रसाद बनाने चूल्हा है ना, उन्हें कह सकते ये प्रसाद बनाने चूल्हा है, इसको कलर नहीं किया। अच्छा नीचे कलर है, कलर वाला नीचे भी है, सही हो अच्छा है। और आगे भी बैठा है देखो भाई, 1 2 3, तो यहाँ पे आपको 300 मिल जाएगा पूजा का सामग्री के लिए, ठीक है ना। सारा मिट्टी का है देखो भाई, भैया इसे कैसे करके पैकेट 60 रुपया, ये भाई तामूल, ये सारा कुछ पूजा में लगता है ना काम। अच्छा छठ पूजा के लिए सोना का देख सकते, ये जो फिलहाल है भाई छठ पूजा के पूजा में जो सामग्री लगता है ना, ये आपका क्या बोलते हैं भैया इसको, बादाम है, यहाँ पे बादाम है, नारियल है, सारा कुछ है इसमें। तो ये सिंदूर है ना, ये रेड सिंदूर, ये ऑरेंज वाला सिंदूर है, वो आपको धागा देख सकते हैं कलरफुल धागा। और ये क्या है भैया? अच्छा सारा ये पूजा का सामग्री है ना। और ये काट का ओ ठेकुआ पीठा, सोना का आप लोग पता है भाई बिहार में भाई ठेकुआ पीठा जो भाई बहुत ही फेमस है, तो इसी से बनाता है ठेकुआ पीठा ना। ये कैसे बनता है इससे? अच्छा डिजाइन है ना ठेकुआ पीठा का, डिजाइन गाइस देख सकते हैं इससे देता है, ठीक है ना, ठेकुआ पीठा। और ये भाई दिया वगैरह देख सकते हैं, और ये तो पता है इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको नारियल, छोटा वाला नारियल ना, ये खाने में बहुत टेस्टी। ये आपका धुना होगा ये ना, धुना ना, ये सारा गाइस छठ पूजा के समय पे ये आपको जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो देख सकते भैया यहाँ पे मस्त सेल कर रहा है। सेलिंग कैसे भैया, ठीक है, ठीक ठाक ना, चले भाई थैंक यू। आप टोटो क्यों नहीं लेता है, टोटो टोटो ले लेता क्यों नहीं मिलेगा, आप ले लेना चाहे टोटो, नहीं हमारे ठीक है ना। दिन में कितना लगा देता है इसमें? दिन में 500 600 रुपया होता है ना, बहुत मेहनत करता है लेकिन आप लोग सच में यार भाई, रिक्शा वाला का जो पैर होता है ना भाई बहुत मजबूत होता है भाई, एक लात मारे मीन एक किक मारेगा ना तो भाई बेहोश हो जाएगा। हाथ दिखाएंगे आपका हाथ, देखो भाई साहब कितना टाइट है, इसको देखो पता चलेगा जो चलाता है उसको पता चलता है भाई, सच्ची में बहुत बहुत प्राउड भैया, ठीक है ना, ऐसे मेहनत करते रहो। रिक्शा वाला का जब देखता हूँ ना तो बहुत ही दुख लगता है भाई, आज के डेट में भी रिक्शा चलाता है भाई, क्योंकि भाई रिक्शा चलाना भाई बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है ना। इतना ज्यादा वजन लेके भाई आप इतना दूर तक भाई ट्रेवल करना भाई बहुत ही मुश्किल बात, और वैसे भी ना भाई जो भी रिक्शा चलाते हैं भाई बहुत ही एजेड लोग रिक्शा चलाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया,
उसका जब मैंने हाथ पकड़ा ना भाई, लोहा का था उसका हाथ, और जो पैर तो भाई बताओ नहीं भाई, पैर था हम लोग को एक ही पेट भाई, हम लोग का हालत बुरा हो जाएगा सच्ची बता रहा हूँ। क्योंकि भाई अभी उसका हाथ जब मैं पकड़ा ना भाई, लोहा का तो लग रहा था, और लेकिन भाई कमाई भी सही है भैया, जैसे बताइए 500-600, तो 500 तो भाई आपका भाई भी नहीं कमा रहा दिन में, ठीक है ना भाई, रिक्शा वाला भी कमा रहा था। तो क्या सोच रहा है साहिद भाई, रिक्शा ही लेके रिक्शा लेके भाई निकल जाता है क्या, बोलते हैं ब्लॉगिंग छोड़ो भाई, रिक्शा लेके निकलो भाई साहब।